स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में जोनल लेवल इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन पिछले 5 सालों से होता आ रहा है, लेकिन इस साल कबड्डी टूर्नामेंट में 94 टीम ने पूरी मुंबई से हिस्सा लिया, जिसका आयोजन 4 दिनों के लिए किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे मैनेजिंग ट्रस्टी संदीप गोयंका, प्रिंसिपल शैबला शेट्टी और शिव छत्रपति अवार्ड विनर साइली जाधव ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। ये जोनल कबड्डी टूर्नामेंट ये CISC काउंसिल ने ऑर्गेनाइज कराते हैं ऑल ICSE स्कूल ऑफ द जोन के लिए। तो ये हमारे को 5वां साल है जब SVI स्कूल स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल कांदिवली इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। पिछले 5 साल में जब पहले साल सिर्फ 19 टीमों ने ही पार्ट लिया था, बस इस साल तो मोर देन 90 स्कूल, आई थिंक 94 स्कूलों ने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया है। एंड धीरे धीरे करके जो कबड्डी टूर्नामेंट है ये बहुत बहुत फेमस होते जा रहे हैं, लोग मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स इसमें कोशिश कर रहे हैं आने की। हर साल बहुत खुशी की बात रहता है कि हमारा स्कूल स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल ये होस्ट करता है। आप लोग समझना चाहिए कि कबड्डी, जैसे गोयनका सर ने बताया कि इतना फेमस हो गया, इतने स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर साल हम लोग 2 ही दिन ये कर रखते थे, बट इस साल हम लोग को 4 दिन रखना पड़ा क्योंकि वी हैव 90+ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। बड़ा मज़ा आता है, ICC बच्चे जब भी पार्टिसिपेट करते हैं, साउथ बॉम्बे से लेके हम लोग को दुम्बविली तक, थाना से लेके पूना बारामती, सब क्षेत्र से हम लोग के बच्चे आते हैं और मज़ेदार दिन 4 दिन निकलता है हमारे साथ। जैसे हमने देखा बच्चों बड़ा एनर्जी था, दिन तो इसलिए बिकॉज टीम धीरे धीरे बढ़ रही है। शुरू में जैसे मैंने कहा सिर्फ 19 टीमें थी, फिर उसके अगले साल कुछ 28 टीमें आई, पिछले 4 साल 48 थी और इस बार 94। सो 2 दिन में अभी ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनफैक्ट अभी काउंसिल सोच रही है कि इसको भी बाइफकेट करके जोन को भी थोड़ा छोटा करके और दूसरी एरियाज बढ़ाएं, बिकॉज अगले साल अगर 150 टीम आएंगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक स्कूल 4-5 दिन छुट्टी दे के इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके। जिस तरह क्रिकेट को एक अलग अहमियत दी जाती है, क्या कबड्डी या बहुत सारे ऐसे खेल हैं उनको भी दी जाएगी? एकदम जी जानी चाहिए। क्रिकेट भी एक बहुत ही अच्छा खेल है इंडिया के अंदर और अपने तो उसको रिलीजन जैसे मानते हैं। कबड्डी भी अपने बल्कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट खेल है इंडिया का, भारत का सबसे पुराना खेल मैं बोलता हूँ, मेरे को यकीन है कि कबड्डी होगा। और इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों की भी जो फिटनेस लेवल है इट्स जस्ट फैंटास्टिक इसके। एंड मेरे को लगता है नॉट ओनली फिटनेस बस मानसिक भी बहुत बच्चे इसके अंदर दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे नो कि अगर हार रहे हैं, हारते हारते भी ये गेम ऐसा है कि एक रेड में अगर आप अच्छा करो तो पूरा तख्ता पलट सकते हो एक ही गेम के अंदर। तो आई थिंक इट्स मेंटली वेरी स्ट्रेनियस, मेक्स द चाइल्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। एंड इस गेम को अपने को और प्रोत्साहन देना चाहिए। इट्स अपना इंडिया का वन ऑफ द गेम्स है और अभी तो मेरे ख्याल से ओलंपिक्स में भी ऐसे बात चल रही थी, कोई बोल रहा था कि ये होंगे। एंड वन मोर थिंग, बहुत हम खुश हैं कि द नेशनल सिलेक्टर्स हैव ऑल्सो कम टू विटनेस दिस टूर्नामेंट। एंड जो बच्चे इधर अच्छा करेंगे उनको यकीन चांस है कि भाई स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल के अंदर भी उनको मौका मिले। I wish all the kabaddi tournament players good luck and हर साल हम चाहते हैं कि हम ही होस्ट करें ये, ताकि हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं कि कबड्डी जो एकदम ओल्ड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स था, हाउ इट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। स्वामी विवेकानंद कॉलेज का सबसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स है कि जो कंटिन्यूस टूर्नामेंट ले रहे हैं ICSE स्कूल में। जैसे ये टूर्नामेंट चालू होना ये बहुत बड़ी बात है। कबड्डी जैसे जो देसी खेल है वो इंटरनेशनल स्कूल जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। प्रो कबड्डी की वजह से कबड्डी को अच्छे दिन आए हैं और स्वामी विवेकानंद जो हर साल
मैं सबसे पहले जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्कूल के गोयनका सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि एक टूर्नामेंट गेम का होता है वो एक साल ऑर्गेनाइज करना बहुत छोटी बात है लेकिन हर साल वो ऑर्गेनाइज करना वो बहुत बड़ी बात है और सर हमेशा वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल का और गोयनका सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर वर्ष दो बार दो दिन का कबड्डी होता है इस बार चार दिन का स्टूडेंट भी बढ़ गए क्या कुछ यही एक टूर्नामेंट की बहुत अच्छी बात है कि टीम्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा से बढ़ रहा है पहले फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट ईयर हुआ था तब 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी अभी ये साल 19 प्लस टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो ये कबड्डी के लिए और ये स्कूल के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह क्रिकेट को या और खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है क्या कबड्डी को भी वैसे मिलना चाहिए क्या? ज़रूर कबड्डी को और वैसे मिल भी रहा है जैसे प्रो कबड्डी जैसे इवेंट्स आ रहे हैं जैसे स्कूलों में जूनियर्स कबड्डी चालू हो रहा है तो इस वजह से कबड्डी को भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और जैसे अब धीरे धीरे हमारा ऐसे भी प्रयास है कि ओलंपिक में भी कबड्डी आ सकता है तो होप्स हो कि जल्दी वैसे आए और कबड्डी को और अच्छे ज़्यादा दिन आए। स्टूडेंटों को आपसे अगर जुड़ना हो या अगले साल आपके कॉलेज से जुड़ना हो या खेलना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं कैसे खेलते? ज़रूर हमारे कबड्डी के बहुत सारे क्लब्स भी रहते हैं और हमेशा डेली प्रैक्टिस भी रहती है। मैं खुद एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ शिव छत्रपति अवार्ड पुरस्कार भी जीती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि जब जब भी आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े आप क्लब ज्वाइन कीजिए अभी यूट्यूब पे इंटरनेट पे बहुत सारे कबड्डी के टूर्नामेंट्स आते हैं तो वो आप देख लीजिए।